धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारों में सेवा की जाती है। गुरुद्वारों के आसपास खालसा पंथ की झांकियां निकाली जाती हैं। कई लोग घरों में कीर्तन भी करवाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनका जीवन परोपकार और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनका जीवन अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए गुजरा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। उन्होंने खालसा वाणी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह भी दी। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन जीने के लिए 5 सिद्धांत भी बताए, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। 5 ककार में ये 5 चीज़ें आती हैं जिन्हें खालसा सिख धारण करते हैं। वो है केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। इन 5ों के बिना खालसा वेश पूर्ण नहीं माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई में गुजरा। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की 10 खास बातें जो हम आपको बता रहे हैं। पहली, अपनी जीविका ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए चलाएं। दूसरी, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे दें। तीसरी बात, गुरुवाणी को कंठस्थ कर लें। फिर काम में खूब मेहनत करें और काम को लेकर कोताही ना बरतें। इसके बाद अपनी जवानी, जाति और कुल धर्म को लेकर घमंडी होने से बचें। छठवीं बात, दुश्मन से भिड़ने पर पहले साम, दाम, दंड और भेद का सहारा लें और अंत में ही आमने सामने के युद्ध में पड़ें। सातवीं बात, किसी की चुगली, निंदा से बचें और किसी से ईर्ष्या करने के बजाय मेहनत करें। इसके बाद किसी भी विदेशी नागरिक, दुखी व्यक्ति, विकलांग व जरूरतमंद शख्स की मदद जरूर करें। नौवीं बात बता दें, अपने सारे वादों पर खरा उतरने की कोशिश करें। इसके बाद 10वीं बात बता दें, खुद को सुरक्षित रखने के लिए शारीरिक सौष्ठव, हथियार चलाने और घुड़सवारी जरूर करें। गुरु गोविंद जी को ज्ञान, सैन्य क्षमता और दूर दृष्टि का सम्मिश्रण माना जाता है।